Hello beautiful people, welcome to my channel. This is Megha Malviya. How are you all? I hope you are doing great. मुझे एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था पफी आइज मतलब जो आंखों में जो सूजन होती है उसके लिए मैं कोई रेमेडी बताऊं. सो आज का मेरा टॉपिक यही है. अगर आप लोगों के मन में भी ऐसे कोई टॉपिक्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आगे के मेरे वीडियोस उन्हीं टॉपिक पर बनाऊंगी. रेमेडी बताने से पहले मैं कुछ रीजंस बताना चाहूँगी कि जिस वजह से पफी आइज होती है. तो सबसे फर्स्ट और मेन रीज़न यही है, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो तो लाजमी है आपको डार्क सर्कल्स और पफी आइज होंगे. तो सबसे फर्स्ट और सबसे मेन सॉल्यूशन यही है कि आप प्रॉपर नींद लें. सेकेंड रीज़न है जेनेटिक्स. कुछ लोगों को ये जेनेटिक इशू होता है, एक एज के बाद ये प्रॉब्लम्स होना शुरू होती है. थर्ड, सनस्क्रीन ना यूज़ करना. अगर आप धूप में जाते हो और सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हो तो भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अब से जब भी धूप में जाएं सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं. इसके लिए कुछ रेमेडीज़ मैं बताऊंगी आपको, जो आपको इजी लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल आप वो यूज़ कर सकते हो. सो फर्स्ट रेमेडी के लिए आपको लेना है एलोवेरा और विटामिन ई कैप्सूल. एलोवेरा जेल को और विटामिन ई ऑयल को अच्छे से मिक्स करना है. मिक्स करने के बाद ये हमें कुछ क्रीम के टेक्सचर में मिलेगा. इसे अप्लाई करना है और अच्छे से मसाज करना है 5 to 10 minutes. मसाज करने के बाद हमें इसे ओवरनाइट रहने देना है. अगर आप ओवरनाइट में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप वॉश भी कर सकते हैं. सेकेंड सिंपल ऑप्शन है, आप डायरेक्टली आमंड ऑयल अप्लाई कर सकते हो. आमंड ऑयल से अंडर आए आपको 10 to 15 minutes मसाज करना है सोने से पहले. और आप कोई भी आमंड ऑयल ले सकते हो. मैं रोगन बादाम ये वाला मैं आमंड ऑयल यूज़ करती हूँ. ये काफ़ी अच्छा होता है अंडर आइज़ के लिए और फेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो मैं ये हमेशा यूज़ करती हूँ. थर्ड, 2 clean spoon को रेफ्रिजरेटर में रखना है. जब वो ठंडी हो जाए तो दोनों स्पून को आँखों पे रखना, जैसे इस फोटो में दिखाया है उस तरह. इससे आँखों को ठंडक मिलेगी. आप स्पून की जगह खीरे यानी क्यूक्यूम्बर के 2 पीस कट करके भी आँखों पे रख सकते हैं. जैसे आपने टीवी या पार्लर वगैरह में देखा होगा, वो भी आँखों की सूजन कम करने के लिए और ठंडक मिलने के लिए किया जाता है. फोर्थ ऑप्शन इज ग्रीन टी. ग्रीन टी कंटेन्स कैफिन विच इज़ वेरी यूजफुल इन रिड्यूसिंग द पफिनेस ऑफ द आइज और ये ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है. तो अगर आप ग्रीन टी यूज़ करते हैं तो उसे यूज़ करके फेंकें नहीं, उसे रेफ्रिजरेटर में थोड़ी देर ठंडा होने दें और फिर जब वो ठंडा हो जाए तो अपने आँखों पर रखें. ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है. आप इनमें से कोई भी एक रेमेडी फॉलो कर सकते हो एटलीस्ट 10 to 15 days विदाउट एनी गैप. और जिस रेमेडी से आप कंफर्टेबल हो, जो आपको इजी लगे, आप वो कंटिन्यू फॉलो करें. आपको जल्दी इससे रिजल्ट मिलेगा. एटलीस्ट 10 days कंटिन्यू आपको उससे रिजल्ट मिलेगा. और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होता है. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपने यहाँ तक अगर देखा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. थैंक यू.